सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन आपको आ, आपकी सक्सेस आ, पर और आपकी नई पोजीशन पर सर uh, मेरा ये सवाल है आपसे कि मेरीन इकॉनमी का स्कोप क्या है और पाकिस्तान uh, को इस चीज़ के लिए आगे कैसे ज़रूरत हो सकती है और इसके बारे में मज़ीद हमें क्या क्या करना चाहिए थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो आपका सबका शुक्रिया कि आज हमें आपने इन्वाइट किया एस में माशाला ये बड़ा इस्टबलिश्ड इंस्टीट्यूशन है फॉर द लास्ट थर्टी डेज और नीमा टेक्स प्राइड कि हम एक एम ओ यू के थ्रू आपके साथ शराकत कर रहे हैं तो बेसिक पर्पस तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेरेटाइम अफेयर्स का जब ये इस्टेबलिश किया गया तो ब्लू इकोनमी और मेरेटाइम रिलेटेड सेक्टर को प्रमोशन करनी है उसकी उसके बारे में एक हिडन पोटेंशियल है जो पाकिस्तान का है क्योंकि हमारे पास एक पूरा सूबा है जो कि सी की तरफ है और उसकी बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक इकोनॉमी है उसका एक इकोसिस्टम है उसको टैप करना है हमने तो वो हर, हर पूरी दुनिया में सब ममालिक कर रहे हैं हमारे यहाँ ये एक एरिया है जिस पर काम नहीं हो रहा तो हमारा पर्पस बेसिकली नीमा का ये है और अब जबकि हम एस के साथ कोलेबरेट कर रहे हैं तो एस की स्ट्रेंथ्स जो हैं उनको हम चाहेंगे कि हम और अपनी स्ट्रेंथ्स को मिला के जो ब्लू इकोनमी की प्रमोशन है उसके ऊपर हम काम करें तो आज की हमारी मीटिंग भी सुलेरी साहब के साथ यही थी और उस एम के हम आगे लेके चलेंगे इन और उसके अंदर एक ऐसा वहीकल बनाएंगे जो कि हायर लेवल पे हम पॉलिसीज़ में काम करेंगे कि वो पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे कि हम अपने मरीन सिस्टम्स को सस्टेनेबल करें ग्रीन करें और उसके अलावा हमारे यहाँ जितने उससे बेनिफिट्स इकोनॉमी में लिए जा सकते हैं उनको हम लें तो ये बेसिक पर्पज़ है जिसपे इन शाम हम काम करेंगे तो जब आपका सवाल ये है कि आगे चल के क्या करना है तो उसमें बहुत सारे टीयर्स हैं जिन पे काम होने की ज़रूरत है लोअर टर पे अवेयरनेस भी है और हायर टीअर टीयर पे पॉलिसीज़ भी हैं तो पॉलिसीज़ के अंदर भी बहुत सारा काम है जो हमने करना है लाइक like, फ़िशरीज़ uh, की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम है उसके ऊपर काफ़ी सारे ज़ोन्स वगैरह बन रहे हैं और जो इकोसिस्टम है उसको मेनटेन करने के लिए फ़िशिंग कुछ टाइम्स में कुछ एरियाज़ में हमें प्रोहिबिट करनी पड़ेंगी तो उस पर पॉलिसीज़ बनानी है शिपिंग के बारे में जो हमारे मॉडर्न वेज़ ऑफ डीलिंग कंटेनर्स हैं वो नहीं है हमारे हर पोर्ट के ऊपर उस पर पॉलिसीज बनानी है तो इस तरह के बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिसपे हमने इन काम हो रहा है और कर रहे हैं जी सर uh, एस और नीमा जो मिलकर आगे फ्यूचर में जो भी रिसर्च करेंगे उसको मीडिया में हम कैसे डिसमिनेट कर सकते हैं सबसे फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट आई थिंक उसमें यह है कि हम कंबाइंड कॉन्फ्रेंसेस करें एक एक प्लेटफॉर्म जो थिंक टैंक्स का है वो ये है कि आप कंबाइंड कॉन्फ्रेंसेस करें और एक मीडिया के अंदर उसको प्रोपिगेट करें डेफिनेटली उसमें इंटरव्यूज भी होंगे उसमें पब्लिकेशंस uh, भी होंगी भी जॉइंटली भी होंगी और आर्टिकल्स के तौर पे भी, भी होंगे तो ये जो अवेयरनेस वाला पार्ट है ये एस का भी एक रोल है जो बहुत बड़ा है माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये प्ले कर रहे हैं और नीमा भी अपने तौर पे इसको प्ले करता है तो वंस वील जॉइन टुगेदर थैंक यू सो मच सर